वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। मैं आज आप सबके लिए एक और कहीं सुनी का एपिसोड लेके आई हूँ। पीछे है कैमरा पर्सन मम्मी, हंसती हुई मुस्कुराती हुई। आखिर बड़े दिनों बाद जो व्लॉग बन रहा है, आप लोग भी बिना व्लॉग के रह गए कितने दिनों तक। हाँ, मतलब मेरे MST चल रहे थे, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स चल रहे थे, नई जगह एडमिशन हुआ है तो उसी के साथ जूझ रहे थे। अब बात आते हैं कहीं सुनी पे। तो पहला जो कुछ ऐसा है कि हमने कुछ सोचा है नहीं, आज जो मन में आएगा वो जोक बोली जाएगी। बात नहीं बनी, कोई नहीं, एक और बार कोशिश कर लेंगे। तो इसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, तो किसी ने बोला रोटी मार ली, और सुनने वाले को सुनाई दिया वोटी मार ली। तो उन्होंने पूछा, हे वोटी मार ली, ये अकी कितना तू, मतलब ये क्या किया तुमने, ये तो ठीक नहीं किया। फिर बाद में उनको समझाया क्या कि रोटी मार ली मतलब रोटी खा ली, और उन्होंने रोटी को वोटी समझ लिया, जिसके वजह से कम्युनिकेशन का खेल बिगड़ गया। अब चलते हैं दूसरी जोक की तरफ। क्या अब आपको हंसी आई थोड़ी सी, उत्तर दें। कैमरा पर्सन केवल मुस्कुराता हुआ, तो हम सोचते हैं कि थोड़ी बहुत तो आ ही गई होगी। तो दूसरा जोक कुछ ऐसा है कि ये चल रहा है मेरे दिमाग में। तो हुआ कुछ यूं, मैं कुछ काम कर रही थी, तो वहाँ जो जिनके साथ मैं काम कर रही थी उनको दिन के आखिर में बताना होता है कि समस्याएं क्या थी आज के पूरे दिन में। तो मैंने बताया कि आज पूरे दिन में ये 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 था हुआ जो हम सुधार सकते हैं। तो उन्होंने रिप्लाई में दिया, मतलब वो लंबा बहुत मैसेज था और मतलब शब्द सीमा कुछ ज़्यादा थी, तो उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता। तो उन्होंने लिखा ऊपर से पढ़ पढ़ के, नवनीता कम्स सेज समथिंग सेट्स फायर, उसमें इमोजी लगाया हुआ था आग का, ठीक है, एंड गोज। तो इनडायरेक्टली पूरा सेंटेंस जो उन्होंने एक मैसेज में लिखा था वो था, नवनीता कम्स सेज समथिंग सेट्स फायर एंड गोज। अब मैं हंस रही थी वो मैसेज पढ़ के, क्योंकि मुझे पता था वो मैसेज जो मैंने लिखा था वो लंबा था और उसमें सारे दिन की समस्याएं तो थी। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोल तो सकती नहीं मैं, तो बस पानी के छिड़काव वाला इमोजी मैंने भेज दिया। कुछ ऐसा सा हुआ, अब मैं क्या बोलूँ। तो वहीं दूसरे समय क्या हुआ, सेम जगह की बात है, तो समस्याएं थी, तो मेरे पास मैसेज आया, नवनीता अभी अभी ना इन्होंने ऐसा ऐसा एक मैसेज डाला। मैं ऐसे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उस दिन पूरे दिन भर हमारे पास समस्याएं आ रही थी। तो उसके बाद दिन के आखिर में ये मैसेज आया तो मैं घबरा गई, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं बोला। तो बाद में पता लगा वो मजाक कर रही थी, एक हंसने वाला जोर का इमोजी मेरे को भेजा गया जो कुछ ऐसा था। तो क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं, इसलिए व्लॉग्स आजकल डिले हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं सुनी थोड़ा थोड़ा करके बातों का सिलसिला बन रही है, तो कोई नहीं, हम दोनों ही नाम लगा देंगे आगे, कहीं सुनी ऑब्लिक बातों का सिलसिला, 2-in-1। बड़े दिनों बाद आया, वैसे भी 2-in-1 हो जाए तो और भी बढ़िया, क्या घिस रहा है। उसके अलावा जब बातों का सिलसिला नाम लगा ही दिया है तो थोड़ी बातें ही कर लेते हैं। तो आज का दिन बड़ा बढ़िया था। बहुत लोगों से मिली, बहुत बातें करी, इसलिए बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब मैं पता नहीं किसकी तरह बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा तरीका तो है नहीं बोलने का, पता नहीं कहाँ से आदत लग गई है, ढूंढना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में गाना चल रहा है, उसको ढूंढो पकड़ो और यहाँ लेके आओ, क्या ही करें, ऐसा ही चल रहा है।
वही आप लोगों को बताया नहीं, आजकल मैं बहुत अलग अलग लोगों से मिल रही हूँ, तो कोविड थोड़ा थोड़ा करके कम होता है, फिर अभी वापस से बढ़ना शुरू हुआ है, ओमिक्रॉन आ गए हैं। ओमिक्रॉन भैया जी नमस्ते, भैया जी बता दे, नहीं भैया नहीं बनाना, कोरोना को राखी बांधते हुए कोरोना हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसके अलावा तो उसी समय की बात है जब बीच में कोविड कम हो गया था और ये ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन कुछ नहीं था, उसी समय की बात है। तो कई लोगों से मिली मैं, बहुत दिनों से मिली नहीं थी किसी से, नए दोस्त बनाए। तो मेरे दो ऐसे दोस्त हैं जो गा गा के बोलते हैं। एक सैंपल ऐसा था, मैंने थोड़ी ना बोला ऐसा कुछ, और एक दूसरी है, मैंने थोड़ी ना कुछ ऐसा बोला। मतलब दोनों ऐसे ऐसे गा गा के बोलते हैं, और दोनों की नकल उतारने में ना मेरे को बड़ा मज़ा आता है आजकल। बोलो अब बोल रही हूँ ना, ये पता नहीं किसका तरीका है, जिसके जैसे मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी फिर बदल गया, वापस से आ गया, यही हो रहा है जब से नए लोगों से मिलने लगी हो, किसी से कुछ किसी से। एक एक से तो मुझको बीच में आया, आदत पड़ गई थी। अमेजिंग, वो अमेजिंग शब्द इतना मतलब अप्रिसिएशन में देती थी सामने वाले दूसरे इंसान को, कि वो अमेजिंग की आदत लग गई थी। दूसरों को कुछ बोलना होता था, बात करते हुए तारीफ़ करनी होती थी किसी चीज़ की, मैं भी बोलती थी अमेजिंग, फिर बीच में आदत लग गई थी। ऑल राइट, मतलब यही चल रहा था, इसलिए मैं थोड़े दिन कम हो गई थी, कहीं आप लोगों को आदत ना लग जाए अमेजिंग ऑल राइट गागा के बोलने की, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। बाकी तो पेपर थे, अभी दोबारा आने वाले हैं, बस यही चल रहा है, पेपर पेपर पेपर, बस यहीं पे समाप्त करती हूँ आज। मिल के अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद आ पाए। इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ समाप्त होता है, वापस से किसी और की बोली में, धन्यवाद।